नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस रामगढ़ में दोस्तों झारखंड शिक्षा परियोजना के द्वारा यहाँ पे जो है बहुत बड़े रिक्वायरमेंट की नोटिफिकेशन यहाँ पे जो है निकाली गई है रिसेंटली में जो है इसकी एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे जारी हुई है दोस्तों झारखंड के जितने भी सारे जो कस्तूरबा विद्यालय है इन सभी में जो है टीचर्स के रिक्वायरमेंट है रसोई के रिक्वायरमेंट है और लेखा सा कंप्यूटर ऑपरेटर के रिक्वायरमेंट है और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पे जो है निकाली गई है ज़िला योग एंड राज्य योग दोनों के लिए जो है यहाँ पे भर्ती निकाली गई है बहुत बड़ी भर्ती है अगर आप इसमें एलिजिबल होंगे तो आप बिल्कुल जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं तो सर सारा डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ कि कौन से कैंडिडेट आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे क्या क्वालिफिकेशंस आपको यहाँ पे ली जा रही है सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी ठीक है तो वीडियो को शुरू करने से पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को आप लाइक कर दें और वीडियो थोड़ी सी भी अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन होगा उसको भी क्लिक करके ऑल पे प्रेस कर लें जिससे कि कोई भी झारखंड के गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट जॉब की इन्फॉर्मेशन आती है या फिर किसी भी प्रकार की इंपॉर्टेंट नोटिस आती है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मेल जाए करेगी तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें सो दोस्तों झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा यहाँ पे जो है रिसेंटली में इसकी नोटिफिकेशन जारी की गई है झारखंड के अंदर जो 203 आवासीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है इन सभी में जो है टीचर्स की रिक्वायरमेंट रसोईया की रिक्वायरमेंट लेखापाल सा कंप्यूटर ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट या फिर पढ़ाई की रिक्वायरमेंट इन सभी की पोस्ट की भर्ती जो है यहाँ पे होने वाली है लगभग झारखंड के चौबीसों ज़िले के लिए यहाँ पे जो है रिक्वायरमेंट निकाली गई है ठीक है तो यहाँ पे जिला योग एंड राज्य योग दोनों योग के लिए जो है यहाँ पे निकाली गई है तो इसमें कौन से कैंडिडेट जो है आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे तो नीचे में आप देख पाए यहाँ पे जो कंडीशंस रखी गई है कि अल्पकालीन सुविधा के आधार पर चयन हेतु तो योग एवं अर्धकारि महिलाएं अभ्यर्थी तो यहाँ पे ओनली फीमेल कैंडिडेट है जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं मेल कैंडिडेट जो है आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे ठीक है नीचे में आप देख पा रहे कि जो जिला योग के अनुसार यहाँ पे पोस्ट के अनुसार कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे सीटें आवंटित की गई है तो फर्स्ट में आप देख पा रहे कि जो रांची डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ पे जो निकाली गई है तो रांची में जो है देख पा रहे कि पूर्णकालिक शिक्षिका महिला के लिए यहाँ पे भाषा में जो है नाइन सीटें हैं पूर्णकालिक शिक्षिका महिला गणित के लिए यहाँ पे जो है पाँच सीटें हैं विज्ञान के सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे जो है पाँच सीटें हैं सामाजिक विज्ञान के लिए भी जो है छः सीटें हैं लेखक कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट के लिए यहाँ पे जो है फाइव सीटें हैं रसोईया के लिए यहाँ पे जो है तीन सीटें हैं चौकीदार के लिए यहाँ पे जो है दो सीटें तो टोटल जो है रांची डिस्ट्रिक्ट में जो है जो ज़िला योग रिक्वायरमेंट है इसमें जो है थर्टी फाइव सीटें आपको यहाँ पे निकाली गई है तो आप जिस भी कैटेगरी से होंगे लाइक यू आर बी सी वन बी सी टू एस सी एस टी तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है कैटेगरी के अनुसार सीटें भी देख करके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं तो फर्स्ट में हम लोग यहाँ पे जिला योग यहाँ पे बात करेंगे उसके बाद जो राज्य योग जो रिक्वायरमेंट यहाँ पे निकाली गई है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसके बारे में भी यहाँ पे देखेंगे ठीक है तो सेकंड में आप देख पा रहे कि जो डिस्ट्रिक्ट यहाँ दी गई है धनबाद के लिए तो धनबाद में आप देख पा रहे कि जो भाषा सब्जेक्ट है इसके लिए जो यहाँ पे दो सीटें हैं गणित के लिए यहाँ पे दो सीटें हैं विज्ञान में जो है चार सीटें हैं कंप्यूटर जो कंप्यूटर ऑपरेटर है इसमें कोई भी सीटें यहाँ पे नहीं है रसोईया में एक सीटें हैं चौकीदार के लिए एक सीटें तो धनबाद में टोटल आपका दस सीटें जो है यहाँ पे निकाली गई है तो कैटेगरी के अनुसार आप इसमें देख करके जो है आप इसमें अप्लाई कर लीजिएगा ठीक है नेक्स्ट देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट है तो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के लिए आप देख पा रहे हो कि टोटल आपका यहाँ पे दस सीटें यहाँ पे निकाली गई है पूर्वी सिंहभूम में भी जो है आपका यहाँ पे टोटल चौदह सीटें हैं बोकारो की यहाँ पे बात करें तो बोकारो डिस्ट्रिक्ट में आप देख पा रहे हो कि जो भाषा सब्जेक्ट है इसमें जो है पाँच सीटें हैं गणित के लिए यहाँ पर छः सीटें हैं सामाजिक विज्ञान में जो है दो सीटें हैं रसोईया के लिए भी दो सीटें हैं चौकीदार की पोस्ट के लिए यहाँ पे एट सीटें तो टोटल ट्वेंटी एट ट्वेंटी थ्री सीटें यहाँ पे जो है बोकारो डिस्ट्रिक्ट में निकाली गई है वहीं पर पलामू की बात करें तो पलामू में जो है फोर्टी सीटें यहाँ पर टोटल निकाली गई है हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में जो है थर्टी सीटें हैं पश्चिमी सिंहभूम में जो है यहाँ पे 51 सीटें हैं देवघर में जो है टोटल आपका 14 सीटें हैं गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे टोटल जो है यहाँ पे देख पा रहे हो कि 28 सीटें हैं दुमका में भी जो है यहाँ पे 22 सीटें हैं गोड्डा में यहाँ पे जो है चौदह सीटें हैं साहेबगंज में यहाँ पे पंद्रह सीटें हैं सरायकेला खरसावाँ में जो है यहाँ पे पंद्रह सीटें हैं चतरा में भी जो है ट्वेंटी सीटें हैं तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से होंगे तो उसके अनुसार यहाँ पे देख लीजिएगा गुमला में जो है थर्टी वन सीटें हैं रामगढ़ की बात करें तो रामगढ़ के कैंडिडेट के लिए देख पा रहे कि यहाँ पे भाषा सब्जेक्ट के लिए जो है यहाँ पे तीन सीटें हैं गणित के लिए दो सीटें हैं विज्ञान में तीन सीटें हैं सामाजिक विज्ञान में भी दो सीटें हैं लेखापाशा कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए यहाँ पे कोई भी सीटें नहीं है रसोई के लिए यहाँ पे तीन सीटें हैं चौकीदार की पोस्ट के लिए यहाँ पे दो सीटें हैं तो रामगढ़ में टोटल जो है आपका पंद्रह सीटें यहाँ पे निकाली गई है कैटेगरी के अनुसार है तो आप जिस भी कैटेगरी से होंगे उसके अकॉर्डिंग कैटेगरी के अनुसार आप देख करके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो पाकुड़ में जो है टोटल आपका यहाँ पे चौदह सीटें हैं जामताड़ा में जो है बारह सीटें हैं लातेहार में जो है यहाँ पे पंद्रह सीटें हैं कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में जो है टोटल एट सीटें हैं सिमडेगा में जो है सोलह सीटें हैं खूंटी में जो है यहाँ पे टोटल नाइन सीटें हैं लोहरदगा में भी जो है दस सीटें हैं तो ये सारे चौबीसों डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट निकाली गई है कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे जो है सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे निकाली गई है तो आप जिस भी पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं जिस भी सब्जेक्ट से जिस भी कैटेगरी से तो उसके अकॉर्डिंग सीटें देख करके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं तो ये तो सारी सीटें जो है ज़िला योग यहाँ पे रखी गई है वहीं पे राज्य योग की बात करें तो राज्य योग में आप देख पा रहे कि यहाँ जो पुर्णकालिक शिक्षिका महिला है इसमें भाषा के लिए देख पा रहे कि टोटल आपका नाइन्टी सीटें यहाँ पर दी गई है गणित के लिए यहाँ पर जो है नब्बे सीटें हैं विज्ञान में जो है नाइन्टी सीटें हैं सामाजिक विज्ञान में जो है सिक्सटी सीटें हैं लेखापाल पार्षद कंप्यूटर ऑपरेटर में थर्टी सीटें हैं रसोईया में जो है फिफ्टी सीटें हैं चौकीदार में जो है फिफ्टी सेवन सीटें हैं तो यहाँ पे कैटेगरी के अनुसार भी इसमें भी दी गई है राज्योग में तो आप जिस भी कैटेगरी से होंगे उसके अकॉर्डिंग जो है आप इसमें सीटें देख करके अप्लाई कर सकते हैं टोटल जो है राज्योग में सेवन फोर सेवेंटी नाइन सीटें यहाँ पे टोटल यहाँ पे निकाली गई है ठीक है तो अगर आप फीमेल कैंडिडेट होंगे अगर आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं आवेदन कैसे करने हैं तो इस फॉर्म को जो है आपको ऑफलाइन मोड पे आपको आवेदन करनी होगी तो आवेदन करने के लिए देख पा रहे कि पे जो कंडीशंस रखी गई है कि उक्त हेतु आवेदन पत्र जिस जिले से संबंधित रिक्त हेतु संबंधित जिले के अभ्यर्थी द्वारा जमा किया जा रहा है वे अपने संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पदनाम से आवेदन के विहित परपत्र छाया प्रति परिषित का पर संकलन में निबंधित डाक द्वारा संबंधित जिले के जिला कार्यालय समग्र शिक्षा अभियान एस में अनिवार्य रूप से दिनांक 27 नौ 2021 तक जमा करना सुनिश्चित करेंगे साधारण डाक से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे संबंधित जिलों से संपर्क पता एवं विवरणी परिशिष्ट खा के रूप में संकलन किया जा रहा है ठीक है तो दोस्तों जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप अप्लाई करना चाहते हैं जो भी डिस्ट्रिक्ट से आप होंगे वहाँ के जो जिले के जो जिला कार्यालय होगा जो समग्र शिक्षा अभियान एस उस एड्रेस में जो है आपको निबंधन पोस्ट या फिर निबंधन जो डाक होती है उसके माध्यम से जो है सत्ताईस नौ दो हज़ार इक्कीस से पहले आपको जमा करनी होगी ठीक है सभी जिले में जो है ये कार्यालय होती है तो आप वहाँ पर भेज के जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं किसी भी प्रकार की स्पीड पोस्ट जो है जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं इसका जो अप्लीकेशंस का फॉर्म है मैं आपको आगे वीडियो में दिखलाने वाला हूँ तो इसका जो अप्लीकेशंस का फॉर्म को मैं टेलीग्राम सेन में भी शेयर कर दूंगा तो आप चाहें तो वहाँ से भी जो है इसका डाउनलोड करके आप इस एड्रेस में भेज सकते हैं ठीक है नीचे में आप देख पा रहे कि चयन है तो जो आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशंस एंड मासिक जो पे स्केल आपको यहाँ पे दी जाएगी उसके बारे में आपको मैंसन्स की गई कि जो भाषा जो हिंदी एवं अंग्रेजी के लिए आपको यहाँ पे दी गई है इसमें आप देख पा रहे कि जो क्वालिफिकेशंस यहाँ पे ली जा रही है तो आपको सब्जेक्ट के अनुसार आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशंस रखी गई है लाइक यहाँ पे हिंदी एवं अंग्रेजी गणित शिक्षिका विज्ञान शिक्षिका समाज शिक्षिका इन सभी के पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसके लिए शैक्षणिक जो अहर्ता यहाँ पे बतलाई गई है तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या फिर विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में जिस विषय हेतु विज्ञान आवेदन कर रहे हैं तो आप जिस भी विषय से अगर आप आवेदन करते हैं लाइक यहाँ पे हिंदी अंग्रेजी गणित सामाजिक विज्ञान विज्ञान इन सभी क्षेत्र में जो है आपके यहाँ पे स्नातक यहाँ पे होनी चाहिए न्यूनतम फिफ्टी अंकों के साथ जो है अगर आप स्नातक पास किए होंगे उस से उत्तर शैक्षणिक के चयन में जो है प्राथमिकता दी यानी कि अगर आपका जो है हायर क्वालिफिकेशन्स होगा तो उनको जो है प्राथमिकता भी दी जाएगी परंतु अनुसूचित जाति या फिर जनजाति एवं विकलांग कोटि के अभ्यर्थियों को जो है इस नियम में अंकित न्यूनतम प्राप्तांक से जो है पाँच प्रतिशत की छूट भी दी जाएगी तो जो कैंडिडेट यहाँ पर दिव्यांगजन होंगे उन सभी को जो है न्यूनतम प्राप्तांक यहाँ पे जो फिफ्टी परसेंट रखी गई है इससे छूट भी आपको यहाँ पे दी जाएगी ठीक है तो अगर आपके पास न्यूनतम अगर 50 परसेंट अंकों के साथ ग्रेजुएसन्स कर रखे होंगे रिलेवेंट जो सब्जेक्ट आपको दी गई है तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं सेकंड जो आपकी वांछनिक अहारता रखी गई प्रशैक्षणिक अहता मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से जो है बी एड अथवा समकज परीक्षा यथा प्रारंभिक परीक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा में शिक्षक प्रशिक्षण पर मेगा परीक्षा यहाँ पे उत्तीर्णता है यानी कि अगर आप बी एड कर रखे होंगे या फिर जो है समकच परीक्षा में जो है प्रारंभिक शिक्षा में जो दो वर्षीय डिप्लोमा कोर्स हो है ट्रे जो टीचर ट्रेनिंग वो अगर आप कर रखे होंगे तो तो भी जो है आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं ये आपकी सेकेंड कंडीशंस रखी गई है क्वालिफिकेशंस में एंड थर्ड में जो बोली गई कि शिक्षक पात्रता परीक्षा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन झारखंड सरकार द्वारा जो कक्षा सिक्स से लेकर एट के लिए जो आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा टेट में उत्तीर्ण तो यहाँ पे अगर आप जो सिक्स से लेकर एट क्लास तक जो यहाँ पे एक एग्ज़ाम होती है टेट की इसमें अगर आप उत्तीर्ण हुए होंगे तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं तो सिंपली अगर आप ग्रेजुएसन्स कर रखे होंगे बी या फिर जो दो वर्ष की डिप्लोमा कोर्स कर रखे होंगे या फिर टी में पास होंगे तो आप बिल्कुल जो है इन सारे पोस्ट यहाँ पर जो निकाली गई इसके लिए आवेदन कर सकते हैं जो आपकी पे स्केल आपको यहाँ पे दी जाएगी जो पर मंथ यहाँ पे अगर आप शिक्षिका के पोस्ट में सिलेक्टेड होते हैं तो उनको जो है प्रतिमा टेन थाउजेंड आपको प्रतिमा सैलरी के रूप में दी जाएगी उसके बाद जो है जैसे ही आपका तीन वर्ष यहाँ पे जो इसमें टीचिंग करते हैं उसमें अगर आपका वर्क में परफॉर्मेंस में यहाँ पे जो है संतोषप्रद यहाँ पे पाई जाती है उसके बाद जो है प्रति माह आपको फिफ्टी परसेंट यहाँ पर वृद्धि कर दी जाएगी यानी कि पंद्रह हज़ार जो है आपको प्रतिमा सैलरी आपको यहाँ पे प्रदान की जाएगी ठीक है उसके अलावा भी जो है अदर एलोमेंट्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगे अच्छी यहाँ पे पोस्ट है अगर आप एलिजिबल होंगे टीचर्स के रूप में अगर आप वर्क करना चाहते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में जिस भी डिस्ट्रिक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं सेकेंड में आप देख पा रहे कि जो पोस्ट है लेखा पल कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट है सारी पोस्ट जो है ओनली महिलाओं के लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट निकाली गई है तो लेखापाल सा कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशंस यहाँ पर ली जा रही है तो किसी भी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान या फिर विश्वविद्यालय से जो है बीकॉम कॉम प्रतिष्ठान में यहाँ पे 50 परसेंट अंकों के साथ अगर उत्तीर्ण होनी चाहिए तकनीकी अहता से जो है किसी भी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से जो है एक वर्ष से कंप्यूटर कोर्स लाइक यहाँ पे जो है पी जी या फिर पी जी सी ए उत्तीर्ण ये सब यहाँ पे होनी चाहिए साथ में कार्य का अनुभव भी आपको होनी चाहिए हिंदी एवं अंग्रेजी में जो है कंप्यूटर टाइपिंग के साथ सॉफ्टवेयर ये सभी की जो है आपकी जानकारी होनी चाहिए चेन है तो सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही योग्य माने जाएंगे तो सिंपली अगर आप जो है बीकॉम 50 परसेंट अंकों के साथ अगर तीन के होंगे जो कंप्यूटर का कोर्स किए होंगे डीसीए या फिर पी जी एंड साथ में अगर आपके हिंदी एवं अंग्रेजी में टाइपिंग की यहाँ पे नॉलेज होगी सॉफ्टवेयर की नॉलेज होगी तो आप बिल्कुल लेखा पल कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट के लिए जो है आवेदन कर सकते हैं इसमें स्टार्टिंग में जो है सैलरी आपको जो है सात हज़ार पाँच सौ आपको यहाँ पे दी जाएगी उसके बाद तीन वर्ष जो है जैसे ही आप यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद जो है यहाँ पे जैसा आपका वर्क में परफॉर्मेंस रहती है टीचिंग में परफॉर्मेंस रहती है उसके अकॉर्डिंग 50 परसेंट जो है आपका सैलरी से यहाँ पे जो होती है सात सेवन फाइव हंड्रेड इससे जो है 50 परसेंट यहाँ पर बढ़ोतरी की जाएगी ठीक है तो इस प्रकार से जो है आपको यहाँ पे सैलरी प्रोवाइड की जाएगी नेक्स्ट में देख पा रही हूँ कि जो पोस्ट है पूर्णकालिक जो रसोई की पोस्ट है इसमें जो क्वालिफिकेशन यहाँ पे रखी गई है तो यहाँ पे सिंपली अगर आप मैट्रिक उत्तीर्ण तथा अभ्यर्थियों की शारीरिक क्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रसित नहीं रहने का चिकित्सा प्रमाण पत्र जो कि सहायक असैनिक शल चिकित्सा द्वारा यहाँ पे निर्गित किया हो तो सिंपली अगर आप मेट्रिकुलेशंस यहाँ पे पास हुए हैं एंड अगर आपका यहाँ पे जो शारीरिक क्षमता होती है जो फिजिकल क्वालिफिकेशन जो फिजिकल होती है इसमें अगर आपका यहाँ पे किसी भी प्रकार के जो है संक्रमण रोग से ग्रसित नहीं हो उसका प्रमाण पत्र होगा तो आप पूर्णकालिक रसोईया की पोस्ट के लिए जो है आवेदन कर सकते हैं इसमें अगर आप सिलेक्ट होंगे तो उनको फाइव थाउजेंड पर मंथ सैलरी दी जाएगी प्लस उसमें तीन जैसे आपका तीन वर्ष यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है उसके बाद जो है फिफ्टी परसेंट आपका सैलरी से यहाँ पे बढ़ाई जाएगी ठीक है और जो चौकीदार की पोस्ट के लिए जो कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं इसके लिए आप देख पा रहे कि जो क्वालिफिकेशन यहाँ पे रखी गई है तो मेट्रिकुलेशंस के साथ जो है शारीरिक रूप से आपका रात्रि प्रहारी का जो यहाँ पे कार्य होती है इसमें आपकी सक्षम होनी चाहिए ठीक है तो अगर आप जो है मेट्रिकुलेशंस यहाँ पे कर रखे होंगे और अगर आप रात्रि में कार्य करने में सक्षम होंगे तो आप बिल्कुल जो है चौकीदार की पोस्ट के लिए जो है आवेदन कर सकते हैं इसके लिए भी आपका सात हज़ार पाँच सौ आपको प्रति माह सैलरी यहाँ पे जो है दी जाएगी तो ये सब सारी क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे ली जा रही है तो अगर आप एलिजिबल होंगे तो आप बिल्कुल जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और अगर सिलेक्शन की बात कर लें तो जो सिलेक्शन के प्रोसेस आपको यहाँ पे होने वाले हैं तो इसमें आपको किसी भी प्रकार की ना ही जो है रिटर्न टेस्ट ली जा रही है ना ही आपको इंटरव्यू होने वाली है ना ही आपको किसी भी प्रकार की जो है अप्लीकेशन फिर यहाँ पे ली जा रही है सीधी भर्ती है जो आपकी क्वालिफिकेशनस में परसेंटेज आए होंगे जो आपका बी एड या फिर जो टेट में जो आपका स्कोर किए होंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है सिलेक्शंस ली जाएगी जो जिला हर एक जिला में जो है जो चयन समिति होती है उसके बेसिस पे जो है आपको यहाँ पे चयन की जाएगी ठीक है इसमें जो अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो उनको स्टार्टिंग में जो है एक वर्ष के लिए जो है यहाँ पे आपको टीचिंग दी जाएगी सर्विस दी जाएगी उसके बाद जैसा आपका वर्क में जो है टीचिंग में संतोष पद यानी कि वर्क में परफॉर्मेंस होती है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एक्सटेंड की जाएगी यहीं पे एज की क्राइटेरिया की बात कर लें तो जो एज की क्राइटेरिया आपको रखी गई है न्यूनतम आपके यहाँ पे 21 वन ईयर्स न्यूनतम एज रखी गई है एंड मैक्सिमम जो है 35 फाइव ईयर्स आपका मैक्सिमम एज रखी गई है तो आप जिस भी कैटेगरी से होंगे उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम एज यहाँ पे भी देख करके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं तो अप्लाई कैसे करें तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि जो जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप अप्लाई करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट में जो है आपके ज़िले के जो यहाँ पे ज़िला शिक्षा पदाधिकारी सर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जो की जो है कार्यालय होती है समग्र शिक्षा की कार्यालय होती है हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये कार्यालय होती है उसमें जो है आप किसी भी निबंधन डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो है सत्ताईस सितंबर 2021 से पहले शाम पाँच बजे से पहले जो है आपको यहाँ पे भेज देनी है ठीक है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर भेजनी होगी इस अप्लीकेशन फॉर्मेट के साथ में तो सबसे पहले आपको क्या करने की जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट आप यहाँ पे शो कर रहा है इसको आप ओपन कीजिएगा इसमें ओपन करने के बाद जो इसका अपलीकेशंस का फॉर्मेट होगा उसको आप जो है डाउनलोड कर लीजिएगा ठीक है नहीं तो मैं आपको जो टेलीग्राम चैनल है उसमें भी जो है शेयर कर दूंगा तो आप वहाँ से भी जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं उसके बाद इसको किसी भी साइबर कैफ़े से जाकर जो है इसका प्रिंट लाउट ले लेना है जो यहाँ पे अप्लीकेशन फॉर्मेट है उसके बाद सारा डिटेल्स उसको आप अच्छी तरह से जो है फिल कर लीजिएगा फिल करने के बाद आप देख पा रहे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है आपको इसके साथ अटैच करनी होगी तो फर्स्ट में देख पा रहे कि ट्वेंटी थ्री इंटू टेन सेंटीमीटर का जो है सो पता लिखा हुआ दो लिफाफा जो आप खुद से लिखते हैं वो आपको जो है एड्रेस के सारा डिटेल्स जो है आपको देना होगा दो लिफाफा में सभी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक जो आपकी क्वालिफिकेशंस डिटेल्स होगी वो सभी का प्रमाण पत्र जो है छाया प्रति संलन करना होगा आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु तो जाति प्रमाण पत्र झारखंड राज्य के अगर आप होंगे तो उनका जाति प्रमाण पत्र भी आपको अटैच करनी होगी तो यहाँ पे सारा डिटेल्स दी गई है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है आपको इसके साथ अटैच करना है इसके अप्लीकेशन फॉर्मेट के साथ में तो आप यहाँ से सारा डिटेल्स देख लीजिएगा उसके बाद जो आपका अप्लीकेशन फॉर्मेट है उसके साथ अटैच करके जो है जो भी डिस्ट्रिक्ट से आप अप्लाई करते होंगे उस डिस्ट्रिक्ट में जो है उस एड्रेस में आप भेज दीजिएगा ठीक है ये इसका देख पा रहे कि नीचे में इसका अप्लीकेशंस का फॉर्मेट है इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा ठीक है उसके बाद सारा डिटेल्स को आपको अच्छी तरह से फिल कर लीजिएगा यहाँ पे रिसेंट का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी आपको लगवानी होगी तो ये फॉर्मेट को मैं आपको टेलीग्राम चैनल में भी शेयर कर दूँगा तो आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा ठीक है तो सारे डिटेल्स को आपको अच्छी तरह से जो है आपको फिल कर लेना है उसके बाद उस एड्रेस में जो है सत्ताईस सेप्टेम्बर से पहले आपको भेज देनी है तो इस प्रकार से जो है आप इसमें एलिजिबल होंगे तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं तो आई होप कि पूरी प्रोसेस आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी फिर भी अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की डाउट रह जाती है इस फॉर्म के रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और अपने साथ अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को भी शेयर करना और अगर चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को भी प्रेस कर लें